नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं एमबी लाइव। दोस्तों, लगातार हमारी जो टीम है एमबी लाइव की टीम ठाणे लोकसभा और लोकसभा चुनाव पर नजर बनाए हुए है। अभी फिलहाल स्थिति यह है कि कुछ ही घंटों का वक्त बाकी रह गया है ठाणे लोकसभा चुनाव को लेकर, इसलिए हमारी जो टीम है वो जमीनी स्तर पर जाकर बातचीत कर रही है। प्रशासन की जो तैयारी है वो जानने का प्रयास हमारी टीम ने किया, उनसे बातचीत करने की कोशिश की, यहाँ तक कि चुनाव अधिकारियों से भी बातचीत करने की कोशिश की। उन्होंने पुलिस प्रशासन को लेकर क्या तैयारी की है, इसके अलावा पुलिस प्रशासन के अलावा अगर आप बात करेंगे पोलिंग बूथ्स की, तो पोलिंग बूथ पर क्या तैयारी की गई है, चाहे वो महिला वोटर्स को लेकर की गई हो, चाहे वो युवा वोटर्स को लेकर की गई हो, या फिर इस बार एक और नई चीज देखने को मिल रही है जो हमारी रिपोर्टर साइली ऑन फील्ड गई और उनको पता चली, वो बात ये थी दोस्तों कि इस बार मुस्लिम महिला वोटर्स को लेकर एक नई व्यवस्था की गई है और उस पोलिंग बूथ का नया नाम रखा गया है, उस कैंपेन का नया नाम रखा गया है। बाकी की क्या जानकारी है, क्या कुछ बताया है सामने वाले अधिकारियों ने, तमाम जानकारी दे रही है हमारी रिपोर्टर साइली। आपको दिखाते हैं, लिए चलते हैं कि साइली क्या कुछ कह रही है, वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं साइली साड़के और आप देख रहे हैं एमबी लाइव। दोस्तों, कल होने वाले चुनाव को लेके बहुत सी परेशानियां और बहुत से मुद्दे हम लोग के सामने आए। कल जो चुनाव होने वाला है ठाणे मतदार संघ को लेके, वो चुनाव जो है बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव होने वाला है। इसी सिलसिले में हम आए हैं मीरा भाईंदर के 145 मीरा भाईंदर क्षेत्र में, मतदान विधानसभा क्षेत्र में। यहाँ के जो सेंटर है, यहाँ के जो होने वाले मतदान केंद्र है, वहाँ पे हम लोग विजिट कर रहे हैं, उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कल जो चुनाव होने वाला है महाराष्ट्र का, अगर बात किए तो महाराष्ट्र का ये आखिरी चरण का चुनाव है, इस चुनाव को लेके मीरा भाईंदर में कैसी व्यवस्था की गई है, सेंटर में कैसे व्यवस्था हुई है, यहाँ का नियोजन कैसा है, यहाँ पे कुछ अलग से बूथ बनाए गए हैं कि नहीं, यहाँ पे अगर कुछ मतदान में चुनाव कर मतदान करते वक्त समय अगर नागरिकों को कुछ सुविधा उपलब्ध करके दी है कि नहीं, इस बारे में सब हम लोग ने यहाँ के सेंटर के अधिकारी से बात करने की कोशिश की। अगर आप मेरे पीछे देख रहे हैं तो ये है रॉयल कॉलेज, मीरा भाईंदर का, मीरा रोड का रॉयल कॉलेज है। ये भी एक सेंटर है, 145 मीरा भाईंदर के अंतर्गत ये सेंटर आता है। इस सेंटर के अधिकारियों से मैंने बात करने की कोशिश की, उनसे जानने की कोशिश की, तो उन्होंने ऐसा बताया कि ये जो सेंटर है, इस ये पूरे सेंटर में 145 मीरा भाईंदर सेंटर में 451 वोटिंग सेंटर है, पूरे इस कॉलेज में 451 वोटिंग सेंटर है, उसमें 46 जो है जोनल ऑफिसर तैनात किए गए हैं, जो 46 अधिकारी यहाँ पे रहने वाले हैं। और ही साथ साथ उन्होंने एक और ही इंटरेस्टिंग बात ऐसी बताई कि ये पूरे जोनल या फिर पूरे मतदान केंद्र जो है उसमें 4 ऐसे यूनिक मतदान केंद्र होने वाले हैं, 4 ऐसे यूनिक बूथ होने वाले हैं जिसमें आके यहाँ की महिलाएं हो, यूथ हो, या फिर जो विकलांग हमारे भाई बंधु है उनके लिए, और एक स्पेशल ऐसा बूथ हम लोग को दिखने वाला है यहाँ पे जो है पर्दा नसीन। जी हाँ, पर्दा नसीन नाम का एक यहाँ पे बूथ दिखने वाला है। इस चारों बूथ को लेके या फिर इस चारों यूनिक बूथ को लेके उन्होंने ऐसा कहा कि लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, मतदान लोगों का यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा हो, मीरा भाईंदर की पब्लिक ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करे, इसके लिए ये 4 बूथ बनाए गए हैं। इस 4 बूथ में जो पहला बूथ रहेगा यूथ से रिलेटेड, यूथ जो हमारी महाराष्ट्र की या मीरा भाईंदर की जो यूथ है उनसे रिलेटेड ये बूथ रहेगा। ये पूरा बूथ जो है इसका येल्लो कलर के बूथ में दिखने को मिलेगा हम अपने को, जो येल्लो कलर का पूरा बूथ रहेगा। यहाँ के जो अधिकारी रहेंगे या फिर जो भी वहाँ पे कर्मचारी रहेंगे उनके पूरा जो कॉस्ट्यूम रहेगा, पूरा जो पहनावा रहेगा वो भी येल्लो कलर का रहेगा। और इस पूरे बूथ में जो हमारे यूथ को जो है प्रेरित करे, ऐसे यूथ लोग जो हमारे यूथ है उनके फोटोग्राफ्स भी उनको दिखने मिलेंगे, उनको अट्रैक्ट करने के लिए ये फोटोग्राफ्स लगाए रहेंगे। और जो दूसरा बूथ है जो फीमेल ओरिएंटेड रहेगा, महिलाओं के लिए जो खास बूथ बनाया गया है, उसमें भी कुछ ऐसी ही तरह इस तरह की थीम बनाई गई है। ये पूरी जो ये पूरा जो बूथ रहेगा
वो पूरा पिंक कलर का बूथ रहेगा। यहाँ की जो अधिकारी जो रहेंगे पिंक कलर के कपड़े पहन के रहेंगे, जो पूरे महिलाओं को प्रेरित करेंगे मतदान करने के लिए। यहाँ पे भी है जो कुछ ऐसी थोर महिलाएं हैं जो महिलाओं को प्रेरित करें, ऐसे महिलाओं के जो चित्र लगाए जाएंगे, फोटोज लगाए जाएंगे। तीसरा जो हमारा बूथ रहेगा PWD बूथ, जहाँ पे विकलांग हमारे जो भाई बंधु है उनके लिए खास सुविधाएं रखी गई है, वो भी अपने मतदान का अधिकार अच्छे से कर पाए इसके लिए ये बूथ बनाया गया है। उनके लिए भी जो है व्हील चेयर्स जो है उनका अरेंजमेंट यहाँ पे किया गया है। और जो चौथा और सबसे यूनिक ऐसा बूथ रहने वाला है जो हमारी मुसलमान महिलाएं हैं उनको मतदान करने का अधिकार मिले, इसके लिए ये बूथ बनाया गया है, जिसका नाम रहेगा पर्दा नसीन। जो हमारी बुरखा पहनी हुई महिला मुसलमान महिलाएं हैं उनके लिए ये बूथ रहेगा। ऐसे चार यूनिक बूथ आपको इस सेंटर में दिखने के लिए मिलेंगे। और साथ ही साथ अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पे बोर्ड भी लगा है कि पार्किंग की सुविधा जो है यहाँ पे अच्छी तरीके से किए गए हैं। बस पार्किंग जो रहेगी वो अलग से रहेगी, कार पार्किंग जो है अलग से रहेगी, और जो टू व्हीलर्स जो है हमारी बाइक की पार्किंग वो भी अलग से यहाँ पे रखी गई है। और साथ ही साथ यहाँ पे हमारे पुलिस अधिकारी रहेंगे, पुलिस के जो लोग रहेंगे वो भी तैनात रहेंगे। ऐसी पूरी जानकारी इस सेंटर के जो अधिकारी है जो यहाँ के नियुक्त है उन्होंने हमें दी है। इस पूरे वीडियो को लेके आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप क्या सोचते हैं, जरूर हमें बताइए। वीडियो जर्नलिस्ट ओमकार सावन के साथ मैं साइली सार के MB लाइव।